चलिए, सफ़र हमारा लगातार जारी है। लक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है नंदपुर रायसी। इसी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक नौजवान इस वक्त यहां से चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, महिला सीट है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका जो जनता ने उनको मौका दिया तो आने वाले वक्त में वो किस तरह गांव की कायाकल्प करेंगे, विकास को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं, उस गाँव में ज़मीनी जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, गाँव के अंदर किस तरह की परेशानी है, सड़कें, नाली और पानी की निकासी को लेकर, छोटे छोटे मुद्दे गाँव के अंदर होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। आपका पूरा नाम क्या है जी? बॉबी सिंह चौहान है जी। बॉबी सिंह चौहान, गांव के अंदर आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सबसे पहले चुनाव लड़ने का इरादा कैसे हुआ जी? इरादा तो ऐसे हुआ है कि गांव की सहमति से ही जी मैं चुनावी मैदान में आया हूं जी। और जो कि गांव वालों ने वो करा है, सपोर्ट करा है, उसकी उसी के आधार पर मैं आया हूँ। और जो वगैरह पर्ची वगैरह गिरी थी उसके उस पर आधार पर मेरा नाम आया था। अच्छा, कितने दावेदार थे यहाँ उस टाइम जी? पांच थे, पांच में से एक ने अपना नाम कैंसिल कर दिया था, चार रह गए थे। फिर पर्ची गिरी चार आदमी की, और चार में से एक पर्ची एक नाम आ गया मेरा। अच्छा, तो यानी चार पर्ची डाली गई जी, और चार पर्चियों में फिर किसी बच्चे से उठवाई गई, उसमें आपका नाम आ गया था। उसी के आधार पर मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी का नाम क्या है? राजकुमारी चौहान। महिला सीट है ये जी? राजकुमारी चौहान। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए कि गांव कितने वोटों का जो है आपका गांव? ये करीबन 650 है इसमें। 650 वोट जी। और हमारे 650 में किस किस समाज का वोट है इसमें? पंवार है, कश्यप लोग हैं, और जी हरिजन हैं, और चौहान हैं, सभी अपने भाई हैं। अच्छा, यहाँ से इस वक्त दावेदार आमने और सामने कितने लोग हैं जी? दो हैं। अच्छा, दो दावेदार नंदपुर में से, और 9 कैंडिडेट फिलहाल रायसी में से। अच्छा, 9 वहाँ से, लेकिन नंदपुर से दो हैं। अच्छा, नंदपुर रायसी का विकास को लेकर बात करते हैं, तो क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर, और गांव के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं जो जनता ने आपको मौका दिया जिसको आप दूर करेंगे, जैसा नाली होती है और सड़कें होती हैं और पानी की निकासी की समस्या भी, अक्सर राशन कार्ड नहीं बनते गांव में, पेंशन वगैरह की दिक्कत होती है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा बताएं जी। मेरे गांव में एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सड़क है जी, नाले, पानी की निकासी तो कतई बेकार कर रखी है। अच्छा जी, क्यों पीछे भी हम इलेक्शन में और कोई सपोर्ट करते आए, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। तो हमको युवाओं ने कुछ हमारे प्रति सोच रहे हैं लोग, सोच है कि अब के बार आप नए लड़के हो, देख लो। मुझे ठीक है, तो मेरा तो यही है, हर तरीके से विकास करना है, हर तरीके से। यही आप सोच रहे हैं कि गांव के अंदर के जनता ने आपको मौका दिया है? लाइट है, हर चीज़, क्योंकि मेरा गांव सबसे पिछड़ी उसमें जा लिया, तो मैंने सोचा कुछ अपने गांव के लिए कुछ करूँ। अच्छा, पानी की निकासी को लेकर तालाब है यहाँ पे? तालाब भी है जी, तालाब है बिल्कुल, लेकिन वो चारों तरफ से आटा पड़ा होगा। आटा पड़ा है, और जो रास्ते खुदाई वगैरह का, खुदाई वगैरह है, और जो खुदाई वगैरह हुई भी वो आधे में रोक दी गई, ये रुक गई। ठीक है जी, यही दिक्कत है कि पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अच्छा, रायसी में भी आपके एक टीम होगी, वहाँ भी आप चुनाव की तैयारी कर ही रहे होंगे, वहाँ भी आ रहे होंगे, वर्करी चल रही होगी, वहाँ किस तरह की कंडीशन है आपको लेके? इस कंडीशन अच्छी है, बेहतर है, 100% चांस है। अच्छा जी, और अब अगर आप चुने जाते हैं जी, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे कल अगर आप जीते जी? एक तो बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, आने जाने की हर चीज़ की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए अच्छी, और यही साफ सफाई होनी चाहिए, कि जैसे कि हमारे गांव में साफ सफाई ऐसी खास नहीं है, क्योंकि पिछले बार त्यासी भी इतने वो नहीं गौर दे पाए, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार में कुछ हर चीज़ की नया हो। पेंशनों की भी दिक्कत होती जी, महिलाओं की पेंशन भी बहुत कम है, कि वही है कोई करा नहीं पाता। राशन की भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, उसे भी हम पूरी कराएंगे, हर चीज़ को दिक्कत पूरी कराएंगे। रायसी, नंदपुर रायसी के आम मतदाता को, गांव वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी यही कहना चाहूँगा, सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, सभी मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ था, आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। ये नौजवान हैं, बहुत
छोटी सी वार्ता हमने इनसे की, थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि कैमरा के सामने कोई कोई करता है। इन्होंने बहुत अच्छे सदे हुए शब्दों में अपनी बात रखी, गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराया। और देखिए सबसे बड़ी बात इस गांव की ये रही कि यहां 5 दावेदार थे, खासकर नंदपुर से, और यहां गाँववासियों ने एक मशवरा करके 4 से 5 गोलियाँ डाली गई, जिनमें इनकी पत्नी के नाम यानी इन्हीं के नामों पर्ची निकली और फिर इन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। लेकिन फिर यहाँ एक दावेदार और सामने आए। कुल मिलाकर एक रायसी और नंदपुर की एक ग्राम पंचायत है, तो 9 दावेदार वहाँ से हैं। चुनाव जीतने के बाद भी हम हाजिरी देंगे और जो वादे किए, जो इरादे, जो उम्मीदें, जो गाँववासियों ने इनसे उम्मीदें बांधी, उस पर ये कितना खरा उतरेंगे, हम उस पर भी दोबारा आएंगे और टटोलेंगे कि कितना विकास किया गया। क्योंकि जब चुनावी मैदान में लोग आते हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर उन चुनावी वादों को भुला दिया जाता है और गाँव को न्यौता छोड़ दिया जाता है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, अगली रिपोर्ट के साथ आगे निकलते हैं।